देख रहे हैं सिटी न्यूज काजल के साथ। 2 साल के बच्चे में कोरोना शंतु वायरस मिलने के बाद महानगर से अस्पताल तक हाई अलर्ट। इस खबर के रघुनंदन ज्वेलर्स मेरठ ब्रिटेन में तहलका मचाने वाला कोरोना का नया शंतु वायरस 2 साल के बच्चे में मिलने के बाद महानगर से लेकर अस्पताल तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों ने भ्रम की स्थिति बनी रही। देर रात तक CAI से रिपोर्ट आने के बाद ही CM ने कोरोना के इस नए सैंपल की प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है। जिस बच्चे में कोरोना का वो सैंपल मिला है वह अपने परिजनों के साथ 14 दिसंबर को मेरठ के थाना TP नगर लल्ला हुआ था। CSIR नई दिल्ली की जांच रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। मेरठ में ये स्ट्रोन 2 का पहला मामला बताया जा रहा है। बने रहे विपिन कुमार की रिपोर्ट के साथ, SCT न्यूज मेरठ। जितने भी लोग UK से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। इसके अंदर प्रिकॉशन वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क 3 ही मूल मंत्र हैं। इससे बचने के लिए भी कोई अलग नहीं चीज़ है। और जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लैंड से आए हैं वो सब सिम्टम फ्री हैं, किसी भी जने में कोई सिम्टम या लक्षण नहीं है। मेरे हिसाब से तो हमने बहुत काफ़ी तुरंत तरीके से इसमें कार्रवाई की है और जो भी मानक थे उसके हिसाब से कंटेन कर लिया गया है। मेरे हिसाब से आगे इस तरह का कोई पेशेंट आना शायद संभव ना हो। सर, स्ट्रेन कोरोना और पुराने कोरोना में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से लक्षण है, क्या है? लक्षण कोई नए नहीं है इसके अंदर, जहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से या इस इलाके में जितने पेशेंट मैंने आपका लक्षण विहीन है, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। और इससे ही मालूम पड़ता है कि इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आए हैं इंग्लैंड से, उनमें से जो हमने क्वारंटाइन में भी हैं या जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं, फिलहाल उसमें कोई लक्षण नहीं है। इससे लगता है कि ये शायद इतना संक्रामक या इतना खतरनाक जैसा कि बताया गया है वो संभवतः है ना हो। सर, कितने लोगों से मिले हैं, कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं? हर जना 28 दिन के लिए भारत में लैंड करने के पश्चात आइसोलेटेड और क्वारंटाइन था, और हर 28 दिन के बाद उसकी क्वारंटाइन की मियाद अवधि समाप्त होती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग डेट में आए हैं, उनके अलग अलग 28 दिन क्वारंटाइन। हम लोग सबसे संपर्क में हैं, सब स्वस्थ हैं। इनको सबको अलग मानकों के अनुसार अलग आइसोलेशन में रखा गया है हॉस्पिटल के अंदर।